सोचा था कि तकरीबन 5 बजे के करीब हम घर से निकल जाएंगे, लेकिन सोचते सोचते हमें 10 बज गए और इस सफ़र का आगाज़ तकरीबन 10 बजे के करीब हुआ और 2 बजे के करीब हम लाहौर पहुंच ही गए। हाँ जी, तो आज का हमारा पहला स्टॉप लाहौर चिड़ियाघर, भी कहते हैं इंग्लिश जी, जू, वेरी गुड, जू। तो चलिए फिर हम आपको जानवर दिखाते हैं। यहाँ पर जानवरों से मुराद दूसरे जानवर थे जो कि वहाँ हमारे अलावा मौजूद थे। अब आप लोग एक ही तस्वीर में चार चार शेर देखने जा रहे हैं। दरअसल हम यहाँ बैठ कर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हमें कोई टॉपिक मिल ही नहीं रहा था। इसके अलावा लाहौर जू में हमने कुछ काम के नज़ारे भी कैप्चर किए, ज़रा आप लोग पहले वो देख लें। इसके बाद हमने ऑटो लिया और हम यादगार पहुंच गए। चलता हुआ सूरज और मीनारे पाकिस्तान, बाकी आप लोग सीन चेक करें। यादगार से निकलने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कुछ खा ही लिया जाए। खाना तो हम बड़ा गोश्ती चाहते थे, लेकिन लाहौर के हालात को देखते हुए हमने इसी पर इक्तफा किया। अगर तुम लोग लाहौर घूमने जा रहे हो ना, तो अपने साथ अपनी गाड़ी या कम से कम अपनी बाइक ज़रूर रखना। मैं तो कहता हूँ अगर साइकिल रख सकती हो तो वो भी रख लो। खैर, इतने धक्के खाने के बाद हमने सोचा कोई उबर होती है, कोई क्रीम होती है, कोई सवारी होती है। तो उबर करके हम लोग सीधे फोर्ट्रेस पहुंचे। फिर हमने थोड़ा सा और खाना खाया, इस दफ़ा काफ़ी मज़े का था वैसे। इसके बाद हम जॉयलैंड गए और हाइपर स्टार मॉल घूमा।
टाइम काफ़ी हो चुका था इसलिए हम वापसी के लिए भी निकल चुके थे। फिर उबर कराई, लारी अड्डे पर आए, उधर से बस ली और सीधा घर। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा दिल गया। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। अगर वीडियो देखी है तो, अगर नहीं